जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट T20 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन रात के 8 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको बताया। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ सकते हो, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करावा मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 29 जुलाई को श्रीलंका वर्सेस इंडिया के बीच में थर्ड T20 मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ फोटोज हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिच यहाँ पर इस तरह से दिखने वाली है। जो पिच है ना दोस्तों आरपीएस स्टेडियम की, मतलब आर प्रेमदासा स्टेडियम की जो पिच है ना, ये पिच दोस्तों हल्की सी बैट्समैन फ्रेंडली होती है स्टार्टिंग ओवर्स के अंदर। यहाँ पे पावर प्ले के अंदर दोस्तों रन अच्छे खासे बनते हैं, विकेट्स कम गिरते हैं। तो अपन कह सकते हैं पावर प्ले के अंदर दोस्तों बैटिंग करना थोड़ा सा ईजी है, ठीक है। पर यहाँ पे बाद में क्या होता है, जो फेस आता है दोस्तों यहाँ पर 7 से लेकर 15 ओवर का, यहाँ पे दोस्तों रन्स नहीं बनते हैं और विकेट्स बहुत गिरते हैं मिडिल ओवर्स के अंदर। तो आप यहाँ पे देखोगे जो मिडिल ओवर्स होते हैं दोस्तों, जो टीम यहाँ पे विकेट्स बचा के रखेगी ना मिडिल ओवर्स के अंदर, वो टीम दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जो टीम यहाँ पे 7 से लेकर 15 ओवर का फेस को अच्छे से खेलती है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप सोच के देखो 7 से 15 ओवर के फेस के अंदर विकेट्स कम गिरते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उनके पास दोस्तों डेथ ओवर के अंदर ना विकेट्स रहेंगे, मतलब 16 से लेकर 20 ओवर तक, और वहाँ पे वो हिटिंग कर सकते हैं, शॉट्स मार सकते हैं, क्योंकि उनके पास विकेट्स हाथ में रहेंगे। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर नई बॉल से बैटिंग करना ईजी है, और आखिर में दोस्तों यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। और जो पिच है ना, अपन ने यहाँ पे क्या देखा था, थर्ड ओडीआई के अंदर भी यही देखा था दोस्तों, और सेकंड ओडीआई के अंदर भी जो पिच थी दोस्तों वो स्पिन फ्रेंडली हो गई थी यहाँ पर, और पिच के अंदर ना क्रैक्स बहुत सारे देखने को मिल रहे थे। तो अपन फिर से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो पिच है ना, उसके ऊपर आप खुद देखो कितने सारे क्रैक्स हैं, रफ सरफेस से काले कलर के पैचेस बने हुए हैं, दरार आ चुकी पिच के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दोस्तों स्पिनर्स और कटर बॉल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये आप पिच को देख सकते हो। ग्राउंड डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको सामने की बाउंड्री यहाँ पर 79 मीटर की देखने को मिलेंगी दोस्तों, बड़ा स्टेडियम है। वहीं स्क्वायर बाउंड्रीज देखो 70 से लेकर 71 मीटर। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों जो आरपीएस स्टेडियम है ना, आरपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आर प्रेमदासा स्टेडियम, ठीक है। तो जो स्टेडियम है ना आरपीएस का, इसका दोस्तों ग्राउंड डायमेंशन बड़ा है, तो यहाँ पे स्पिनर्स भी अपना जिगरा रख के बॉलिंग करा सकते हैं। ये दोस्तों मैदान आप देख सकते हो कितना खूबसूरत दोस्तों यहाँ पे व्यू आ रहा है, ठीक है, आप खुद देख सकते हो। तो दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलेगा। आप तो दोस्तों क्विंटन डीकॉक आ चुके हैं यहाँ पर आ चुके हैं, डेविड मिलर, एंगिडी, तीन दोस्तों बड़े प्लेयर्स वापसी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों ये होगा A1 मैच, मतलब बहुत ही शानदार मैच होगा। तो अपन दोस्तों एक्सपेक्ट करते हैं आपके अच्छा मैच हो, और वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर चिंताजनक बात है श्रीलंका के लिए, 23 T20 के मैच खेले हैं, कितने 23, जीते कितने मात्र 5। तो आप समझ सकते हो दोस्तों यहाँ पर दिक्कतें उनकी हैं। वहीं साउथ अफ्रीका ने भी दोस्तों कोई बड़ा काम नहीं करा, 5 में से सिर्फ 1 मैच जीते हैं यहाँ पर, और 4 मैच हारा है। अब देखो दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, जो टीम यहाँ पे बैट फर्स्ट करी है 3 मैच जीती है, और जो टीम यहाँ पे चेस करती है ना सेकेंड इनिंग्स के अंदर 9 मैच जीती है दोस्तों आउट ऑफ लास्ट 12 गेम्स। तो चेस करना ज़्यादातर प्रेफरेबल रहता है। एवरेज स्कोर 130-160 आपको बनता दिखेगा दोस्तों स्वैनी के ऊपर। अब देखो लास्ट 12 मैचेस में क्या हुआ है, पेसर्स ने मतलब तेज गेंदबाजों ने 73 विकेट्स निकाले, हम कैसे निकाले हैं, पहली बारी में 40 विकेट है, दूसरी बारी के अंदर 33 विकेट है। अब देखो किस टाइप के पेसर्स विकेट निकालते हैं, राइट आर्म पेसर्स 55 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर्स 18 विकेट है। बात करते हैं आप एक इसकी स्पिनर्स की, तो लास्ट 12 मैचेस के अंदर स्पिनर्स ने 73 विकेट्स निकाले हैं। अब देखो कैसे निकाले हैं, तो आप समझ सकते हो दोस्तों पेसर्स और स्पिनर्स बराबर ही हैं लगभग, पहली बारी में 35 है, दूसरी बारी के अंदर 38 विकेट्स है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों स्पिनर्स तो पहली बारी में तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन दूसरी बारी में दोस्तों ज़्यादा स्पेशल क्यों है, पेसर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पिनर्स सेकंड इनिंग्स के अंदर। आप देखो पेसर्स 33 विकेट है दूसरी बारी के अंदर, वहीं दूसरी बारी में स्पिनर्स 38 विकेट है। अब देखो किस टाइप के स्पिनर्स विकेट निकालते हैं, तो लेग स्पिनर सबसे इंपॉर्टेंट 30 विकेट है, उसके बाद ऑफ स्पिनर्स 28 विकेट है, तो 58 विकेट तो यहीं पर हो गए। अब 8 और 7 कुल मिला के 15 विकेट्स हैं,
तो कुल मिला के 73 विकेट हो जाते हैं। लेफ्ट आर्म एंड चेनामैन का 8 विकेट है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 7 विकेट है। जो लास्ट मैच होता है यहाँ पे 29 जुलाई को T20 का मैच था श्रीलंका वर्सेज इंडिया के बीच में, उस मैच के अंदर 3 विकेट पेसर्स का था और दोस्तों यहाँ पे 9 विकेट फिरकी मतलब स्पिनर्स का था। ठीक है, क्लाउडी वेदर दोस्तों रहेगा यहाँ पे, बारिश के बहुत कम आसार लग रहे हैं मेरे को। तो बारिश थी दोस्तों जा चुकी है वैसे कहाँ पर RPS स्टेडियम से, आप देख सकते हो दोस्तों बढ़िया वेदर लग रहा है मेरे को। तो कब तक, ट्यूजडे तक, जब तक दोस्तों सीरीज चलेगी ना तब तक बढ़िया माहौल बना रहेगा पूरा। और यहाँ पे दोस्तों क्या न्यूज़ आ रही है कि इस मैच के अंदर कौशल परेरा वापसी कर सकते हैं अगर फिट होते हैं तो, फिटनेस टेस्ट इनका होगा। वहीं बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, क्विंटन डिकॉक आ चुके हैं, डेविड मिलर दोस्तों आ चुके हैं, एंगिडी साहब आ चुके हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर थे ना, एंगिडी लुंगी नेगिडी, ठीक है कुछ भी बोल सकते हो दोस्तों आप इनको। अब चलते हैं आप किसकी तरफ, दोनों टीम्स ने आपस में 13 मैच खेले आज तक T20s के अंदर, T20i के अंदर साउथ अफ्रीका 8 बार जीती है और श्रीलंका 5 बार जीती है। लाइनअप्स की बात करते हैं और श्रीलंका दोस्तों मेरे हिसाब से सेम वही ODI वाली टीम से जाएगी। अवशेखा फर्नांडो ओपन करेंगे चांदीमाल के साथ, अगर दोस्तों यहाँ पे कौशल परेरा फिट होते हैं तो पक्का ये ओपन करेंगे। भानुको राजापक्षा 1 डाउन है, धनंजय डिसिल्वा 2 डाउन है, चरित असलंका आएंगे, फिर यहाँ से दशुन शनाका आएंगे, वेनेंडू असरंगा आएंगे, चमिका करतना आएंगे, महिषा थक्षिणा आएंगे। दोस्तों डेब्यू के दिन 4 विकेट निकाला, दशमंदा चमेरा, प्रवीण जयविक्रमा। अब दोस्तों से महेश थक्षिणा को मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है और यहाँ पर 9 तारीख को मतलब 9 सितंबर को यहाँ पर बर्थडे था दशुन शनाका का, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये मैच दोस्तों 10 सितंबर को है लेकिन एक दिन पहले भाई साहब ने बर्थडे बनाया था, ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है नॉलेज के लिए। साउथ अफ्रीका क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे अनिमान मलन के साथ, एडिन माक्रम 1 डाउन या फिर रिजेंडिक्स 1 डाउन आएंगे, फिर रसी वन डसन, डेविड मिलर, हैंडेज क्लासेन, जॉर्ज लेंडे, रबाड़ा, एंगिडी, नोकिया आ सकते हैं या फिर दोस्तों केशव महाराज, फिर यहाँ से शमशी। गिव अवे क्विंटन डिकॉक के ऊपर दोस्तों, बड़ा प्लेयर वहाँ पर वापसी कर रहा है, #StatsGuruji। और आपको बताना है यहाँ पर QDK क्विंटन डिकॉक कितने रन बनाएंगे इस मैच के अंदर, ठीक है। और जो लोगों को दोस्तों नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है वो सब्सक्राइब्स के बल के अंदर बेल बटन होता है, ठीक है उस पर क्लिक कर देना यार, इससे क्या होगा आप मेरे को सपोर्ट भी दिखा सकते हो, प्लस सब्सक्राइब्स कर दो आप चैनल को दोस्तों और फिर बेल बटन दबाते हो तो इससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा वीडियो का। टेम्बा वर्मा अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब दिनेश चांदीमाल खेलते हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 9 मैच खेले 18 की एवरेज है, 126 रन है, 21-12 बैट फर्स्ट, 36 नॉट आउट, 22-14-8, 6 नॉट आउट, 5-2 चेसिंग में। और इसका हाल ही के अंदर ना आपको पता रहेगा श्रीलंका के अंदर एक टूर्नामेंट चला था, श्रीलंका क्रिकेट इन्विटेशनल T20 लीग, ठीक है, जिसके अंदर वो था ना यार श्रीलंका ग्रीन थी, श्रीलंका ग्रेस थी, श्रीलंका रेड थी, वो 3-4 टीम्स थी दोस्तों, याद है ना आपको, ब्लूज वगैरह टीम थी, वो वाला टूर्नामेंट हुआ था। तो उसमें 6 मैचेस के अंदर इस भाई साहब ने 183 रन करा था, 37 की एवरेज थी, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। अवशेखा फर्नांडो आएंगे यहाँ से, इन्होंने आज तक श्रीलंका की तरफ से खेलते हुए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 17 रन करें 3 मैचेस में, कैसे करें, 16 बैट फर्स्ट, 1 वाइल चेसिंग, 0 वाइल चेसिंग, और इसका T20 करियर के अंदर 27 की एवरेज है बैट फर्स्ट, बैट सेकंड में 24 की एवरेज है। अब देखो श्रीलंका क्रिकेट इन्विटेशनल T20 लीग के अंदर 6 मैचेस में 164 रन था, 31 की एवरेज थी। भानुको राजापक्षा इस टीम के अगेंस्ट में नहीं खेले हैं, बैट फर्स्ट 21 है, बैट सेकंड 28 की एवरेज, इसका दोस्तों आप खुद ही देख सकते हो कभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन 2021 के अंदर इसने आज तक 6 मैच खेले हैं, 32 रन था, 6 की एवरेज थी दोस्तों, कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है T20 के अंदर इस साल। धनंजय डी सिल्वा 7 मैच 111 रन, 4 विकेट से साउथ अफ्रीका के खिलाफ में 16 की एवरेज है, बैट फर्स्ट में 14 करा है, बैट सेकंड 31-27-19-10-8-2 और 4 विकेट हैं। 2021 के अंदर 8 मैचेस में 91 रन है और 1 विकेट है। और इनका श्रीलंका इन्विटेशनल T20 लीग के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं था, कुछ 4 मैच में 16-20 रन थे ऐसे कुछ। असलंका की बात करते हैं, बैट फर्स्ट 15, बैट सेकंड 33 के एवरेज है और इसका 2021 के अंदर 13 मैचेस में 28 के एवरेज है, 1,285 रन है। और इस साल इसने श्रीलंका इन्विटेशनल T20 लीग के अंदर 4 मैच के अंदर 120 रन बनाया था, ये भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया मैंने, 40 की एवरेज थी। दशुन शनाका 2 मैच खेल चुके हैं श्रीलंका की तरफ से खेलते हुए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अपन बात कर रहे हैं हेड टू हेड मैचेस की, 36 रन है, 20 नॉट आउट बैट फर्स्ट, 16 नॉट आउट, 16 वाइल चेसिंग करा था इसने। अब इसका T20 करियर के अंदर बैट फर्स्ट में 32 की एवरेज है, बैट सेकंड में 24 की एवरेज है। और हाल ही के अंदर दोस्तों ये श्रीलंका इन्विटेशनल T20 लीग के हाईएस्ट रन स्कोरर थे, एक भाई ने क्या ही परफॉर्मेंस दिया था, 6 मैचेस में 250 रन कर दिए थे, 64 की एवरेज थी, 3 विकेट्स था। असरंगा साहब बॉल फर्स्ट 24 मैच में 26 विकेट्स है, बॉल सेकंड में देखो आप यहाँ पे 34 मैच में 53 विकेट है, तो दोस्तों बॉल सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं असरंगा जी। और 2021 के अंदर 9 मैचेस में 17 विकेट्स है और 69 रन्स विद द बैट है। चमिका करतने ने इस साल 2021 के अंदर 14 मैचेस में 13 विकेट, 103 रन्स है,
दुश्मन था चमेरा का, इस साल 9 मैचेस में 14 विकेट्स है। ये दोनों ने दोस्तों अभी तक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं खेला है, ना ही महेश तक्षण ने खेला है जिसने इस साल 9 मैच में 10 विकेट निकाले। महेश तक्षणा ने फिरंग से प्रवीण जयविक्रमा इस टीम के अगेंस्ट नहीं खेला, इस साल दोस्तों 7 मैचेस में 4 विकेट है T20 के अंदर, और प्रवीण जी का 2020 के अंदर 6 मैचों में 8 विकेट था। विनोद वानू का भी आ सकते हैं, बैट फर्स्ट 17 बैट सेकंड 27 के एवरेज है, और श्रीलंका इन्विटेशनल T20 लीग के अंदर 5 मैच में 109 रन था, 21 के एवरेज से कुछ खास करा नहीं था। कौशाल परेरा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 5 मैच में 97 रन है, 19 के एवरेज है, बैट फर्स्ट 61 21 बैट सेकंड 11 3 1, 2021 के अंदर 3 मैच में 54 रन है। अकेला धनंजी आ सकते हैं, 4 मैच में 4 विकेट है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इस साल 2021 के अंदर 8 मैचों में 6 विकेट है। इसी तरह दोस्तों आप हर प्लेयर के स्टैट्स को देख सकते हो। एक पुलिन थरंगा करके लेग स्पिनर है दोस्तों, ये भी शायद ही आएंगे क्योंकि इनके पास पहले लेग स्पिनर है यार, एक तो असरंगा करके। स्टार्टिंग ओवर दुश्मंता चमीरा, चमिका करतने और यहाँ से असरंगा, डेथ में दुश्मंता चमीरा करतने और असरंगा जी आपको दिखेंगे। साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जब क्वांटन डीकॉक खेलते हैं अगेंस्ट श्रीलंका, 7 मैच खेला दोस्तों में शौक था, सिर्फ 107 रन से 15 की एवरेज है, पर दोस्तों प्लेयर अब थोड़ा सा अलग है, अलग अंदाज में खेलता है। बैट फर्स्ट 20 19 16 5, बैट सेकंड 25 13 9, 32 के एवरेज है बैट फर्स्ट T20 करियर के अंदर, 37 की बैट सेकंड में, और 2021 के अंदर 22 मैच में 659 रन से 37 की एवरेज है। अनिमान मलन आएंगे यहाँ से, इन्होंने दोस्तों इस टीम के अगेंस्ट में अभी तक नहीं खेला है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और 2021 के अंदर इस भाई साहब ने अनिमान मलन ने 9 मैचेस के अंदर 206 रन 23 के एवरेज है। हाइडन माक्रम आएंगे यहाँ से, 15 और 3 है इसका अगेंस्ट है श्रीलंका, 2 मैचेस के अंदर हर बार बैट फर्स्ट, 2021 के अंदर 15 मैच में 396 रन 28 के एवरेज है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है यार वैसे तो। रसिमन डसन की बात करते हैं, इसने ना अगेंस्ट श्रीलंका 2 मैच खेले, 64 बैट फर्स्ट 34 यहाँ पे वाइल्ड चेसिंग, अच्छा खासा परफॉर्मेंस था 2 मैचेस के अंदर। अब देखो 2021 के अंदर 16 मैच में 381 रन 35 के एवरेज है। करेंगे यहाँ से डेविड मिलर, 12 मैच 24 के एवरेज 196 रन है, बैट फर्स्ट 40 36 25 14 11 9 1, बैट सेकेंड 41 19, 2021 के अंदर 26 मैच में 683 रन है, 46 के एवरेज है। हैंडेज क्लासे ही आएंगे यहाँ से, 1 मैच के अंदर 18 है बैट फर्स्ट करते हुए अगेंस्ट श्रीलंका, और बैट फर्स्ट में 22 के एवरेज है इसका T20 करियर के अंदर, बैट सेकंड में दोस्तों 37 की एवरेज है। 2021 के अंदर 15 मैच में 277 रन से 28 के एवरेज है। लिंडे साहब इस साल बहुत अच्छे फॉर्म में है, इस टीम के अगेंस्ट नहीं खेला आज तक श्रीलंका के अगेंस्ट में T20s में, और इस साल देखो 19 की एवरेज थी, 189 रन थे 16 मैचेस में, 21 विकेट था। कगिशोर अबाड़ा 2 मैच के अंदर 3 विकेट है, 2021 के अंदर 19 मैच में 25 विकेट है। एनरिच नोकिया साल 2021 के अंदर 10 मैचों में 10 विकेट्स है, जिस टीम के अगेंस्ट नहीं खेला है। एंगिडी साहब का 4 मैचों में 6 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेट लेस गए श्रीलंका के खिलाफ, और 2021 के अंदर 15 मैच में 23 विकेट है। टैबरेज शमशी अगेंस्ट श्रीलंका 3 मैचों में 4 विकेट है, 2021 के अंदर वैसे फॉर्म अच्छा है इनका, 25 मैच में 37 विकेट है। केशव महाराजा, और दोस्तों आपको बताइए T20I के नंबर वन बॉलर है शमशी जी, केशव महाराजा का इस साल 6 मैचों में 8 विकेट है T20 के अंदर, बढ़िया परफॉर्मेंस है। रिजा एंड्रीज का 5 मैचों में 199 रन से 40 की एवरेज है अगेंस्ट श्रीलंका, चीज दोस्तों आपको ध्यान देनी है, बहुत अच्छे स्टैट्स इसके हेड टू हेड। 2021 के अंदर भी दोस्तों फॉर्म बहुत अच्छा है, 15 मैच में 502 रन 34 के एवरेज, दोस्तों कड़क प्लेयर है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है खेलते हैं तो। फिलवाक्यू 6 मैचों में 7 विकेट्स है हेड टू हेड में, और आप हर प्लेयर के स्टैट्स देख सकते हो। स्टार्टिंग ओवर रबाड़ा, लिंडे, एंगिडी, नोकिया, डेथ ओवर में रबाड़ा, एंगिडी और नोकिया आपको दिखेंगे। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे वेन्यू स्टैट्स की तरफ, तो इस वेन्यू के ऊपर आप देख सकते हो श्रीलंका की तरफ से RPS स्टेडियम के ऊपर अभिषेका फर्नांडो ने यहाँ पर 4 मैच खेले हैं, 7 चेसिंग 26 चेसिंग 11 चेसिंग 2 चेसिंग, ये स्कोर्स हैं इसके। विनोद भानु का 9 मैच में 22 के एवरेज 174 रन है, बैट फर्स्ट 21 20 1, और बैट सेकंड में आप पढ़ ही सकते हो खुद ही। दिनेश चंदीमल 28 मैच 34 के एवरेज है वेन्यू के ऊपर, 76 रन है, और आपको एक खास बात बताऊंगा इसकी, जो यहाँ पर कितनी बार 30+ स्कोर करा है इसने ना यहाँ पे 28 मैच खेले हैं स्वैनी के ऊपर, और 30+ इसने स्वैनी के ऊपर 10 बार करा है, उसमें से 6 बार ना फर्स्ट इनिंग्स के अंदर करा है, और ये जो उसके सबसे टॉप स्कोर्स है ना वो 6 के 6 फर्स्ट इनिंग्स के अंदर आए थे। भानुका राजा पक्षा 7 मैच 22 के एवरेज 132 रन है, और चेस में अच्छा करा है। धनंजय डी सिल्वा 20 मैच 33 के एवरेज है 499 रन से 5 विकेट है, दोस्तों हर बार यहाँ पे ठीक ठाक ही कर रहा है, नॉट आउट रहते हैं, लास्ट टाइम भी देखो 40 और 23 कर रहा था इंडिया के खिलाफ, तो अच्छा करते हैं यहाँ पर। असलंका जी 22 15 44, और फिर आएंगे यहाँ से दर्शन शर्मा का 23 मैच 15 की एवरेज 264 रन 5 विकेट्स है। हसरंगा का 6 मैचेस में 11 विकेट है, उमदा परफॉर्मेंस है। चमिका करतने का यहाँ पर 5 मैच में 1 विकेट है और 29 रन है। दुश्मंता चमेरा 14 मैच में 16 विकेट 4 मैच में विकेटलेस है, और यहाँ पे 2 प्लेयर्स ने नहीं खेला है, महेश ने और प्रवीण ने।
कौसाल परेरा का 18 मैच में 401 रन 23 के एवरेज है, लो स्कोर्स इन बैट सेकंड मोर। अब देखो अखिला धनंजय 20 मैच 22 विकेट 8 मैच में विकेटलेस है, बिनर फर्नांडो का 8 मैच में 10 विकेट है, रमेश मेंडिस का 7 मैच में 1 विकेट है, यहाँ पर मोहन प्रदीप का 8 मैच में 5 विकेट है। साउथ अफ्रीका की तरफ से दोस्तों कुछ ही प्लेयर्स ने खेला है, पहला नाम क्विंटन डीकॉक का आता है, 20 बैट फर्स्ट 5 बैट फर्स्ट, रिज हेंड्रिक्स 19 बैट फर्स्ट है, डेविड मिलर 25 बैट फर्स्ट है, 14 बैट फर्स्ट है, हेनरिक क्लासन 18 है, यहाँ पर फिलवा की 0+0 विकेट है, रबाडा का 2 विकेट था, शमशी का 2 विकेट था, एंगडी का 0 विकेट था, 3 ओवर के अंदर कुछ 25 रन दे दिया था। मैचअप्स की बात करते हैं, अभी विनोद बानुका का स्ट्रगल एडन माकरम के सामने और वैन मुल्डर के सामने, अभिषेक का फर्नांडो आएंगे यहाँ पर, इनका स्ट्रगल बनता है किसके सामने, महाराजा के सामने, रबाडा के सामने, नोकिया, फिलवाकियो, शमशी। अब आपको उनको कैसे पढ़ना है, इसने महाराज की 38 बॉल फेस करी, 24 रन बनाए, एक बार आउट हुआ है, ठीक है, और यह लेफ्ट आर्म पेस के सामने अटकता है। बनुका राजापक्षा वर्सेस ऑफ स्पिन, बहुत दिक्कतें हैं, 12 पारियों के अंदर 8 बार आउट हुए ऑफ स्पिन के सामने, 83 बॉल के अंदर 128 रन है, रबाडा के सामने डक पे आउट हुए, महाराजा के सामने डक पे आउट हुए। धनंजय डी सिल्वा वर्सेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, रबाडा 37 गेंद 20 रन 2 बार आउट कराए, दोनों बार दूसरी बारी में, फिलवाकियो ने इनको 52 बॉल में 3 बार आउट कराया 48 रन देके, फिर आएंगे ऐसे शमशी, ये परेशान कर सकते हैं, और दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत कौन हो सकता है, जॉर्ज लिंडे और केशव महाराजा, इनका दोस्तों मेरे हिसाब से पूरे ओडीआई करियर के अंदर या फिर T20 करियर में देख लो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स उनके सामने दिखते हैं ना दोस्तों, टॉप क्लास प्लेयर धनंजय डी सिल्वा। अश्लंका वर्सेज शमशी वर्सेज रबाडा, दशन शनाका वर्सेज स्पिन आपको देखने को मिलेगा, पक्का है, कंफर्म ही है, और कुशाल परेरा का आप देख सकते हैं दोस्तों खेलते हैं, तो दिनेश चंदीमाल वर्सेस लिंडे, फिलवाकियो, दोस्तों हर प्लेयर को मैंने कवर करा है यहाँ पे, मैं कभी नहीं चाहूँगा दोस्तों आप किसी भी प्लेयर को मिस करो, इवन कुशाल परेरा के स्टैट्स मैंने दे रखे हैं आपको यहाँ पर। क्विंटन डीकॉक वर्सेस अखिला धनंजय, 119 रन 117 गेंदों में 4 बार आउट हुए, 4 बार दूसरी बारी के अंदर आउट हुए, धनंजय डी सिल्वा ने 122 गेंदों के अंदर 102 रन देके 2 बार आउट करा है, मुआन प्रदीप ने 9 गेंदों में 7 रन देके 1 बार आउट करा है, और ये T20 करियर के अंदर ना ऑफ स्पिन के सामने 229 गेंदों के अंदर 250 रन है, 37 बारी में 14 बार आउट हुए। अनिमान मलन वर्सेज दुष्मता चमेरा, तक्षिणा वेनेंडो असरंगा, लेग स्पिन के सामने 9 पारियों में 6 बार आउट हुए हैं, ये दिखाता है लेग स्पिन के सामने फंसते हैं। एडिन माकरम वर्सेज अखिला धनंजय, 43 बॉल्स 47 रन्स 3 बार आउट करा है, और प्रवीणा जयविक्रम एम ने दोस्तों इनको 2 बार आउट करा था, ODI के अंदर 34 गेंद में 33 रन देके दोनों बार दूसरी बारी में आउट करा है। रिजे हेंड्रिक्स वर्सेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, धनंजय डी सिल्वा 36 गेंद 36 रन 2 बार आउट करा है, चमेरा ने लास्ट टाइम आउट करा था, स्टंप उखाड़ा था इनका सीधा ही, अखिला धनंजय ने 2 बार आउट करा है। रेस्टिवन डसन वर्सेस अखिला धनंजय, असरंगा और दुष्मंता चमेरा, क्लासेन वर्सेस स्पिन स्पेशली ऑफ स्पिन, डेविड मिलर वर्सेस धनंजय डी सिल्वा, 68 बॉल 70 रन 2 बार आउट में। फिर आएंगे दोस्तों यहाँ पर कॉमन कैप्टन क्विंटन डीकॉक, असरंगा, बड़ी लीग्स में इसको बनाना है, क्विंटन डीकॉक, असरंगा, अभिषेक फर्नांडो, अनिमान मलन, चार है दोस्तों मोस्ट अवेलेबल प्लेयर्स अलग जाना है, एडन माकरम, रेस्टिवन डसन, शमशी को आप ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे यहाँ पे टीम्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्टन है हसरंगा, रीजन दोस्तों सिंपल है, ये इनके पास 24 बॉल रहती है डालने के लिए, इनके पास दोस्तों एक बॉल होती है आउट होने के लिए, तो प्लेयर दोस्तों बहुत खास है क्विंटन डीकॉक पर, यहाँ पे दोस्तों मैंने इनको क्यों बनाया, मैंने आपको समझा दिया, बैट्समैन दोस्तों एक बॉल पे आउट हो सकता है, लेकिन जो बॉलर होता है ना उसके पास 24 बॉल होती है विकेट्स लेने के लिए, तो इनके पास दोस्तों विकेट्स टेकिंग ज़्यादातर एबिलिटीज होती है, तो इसलिए बना रखा है। लंडे धनंजय डी सिल्वा, यहाँ से रसिव एंडरसन, एडिन माकरम, श्रीलंका, यहाँ से दुष्मंता चमेरा, रबाडा, यहाँ से शमशी जी। अब देखो बड़ी लीग्स में क्या करना है, वही कहूँगा रिस्क लेने से नहीं डरना है, पहली बात तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है लाइफ के अंदर, मैं आपको हमेशा कहता हूँ बिना रिस्क के लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डीकॉक साहब MVP प्लेयर है, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है, चंदीमाल दोस्तों ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करना, ये भी दोस्तों टॉप क्लास प्लेयर माने जाते हैं, सब जानते हैं इनके बारे में, तो बस थोड़ा सा फॉर्म ऐसा ही था इनका, ODI के अंदर एक ही मैच खेला यार, वैसे भी एक मैच से आप कैसे प्लेयर को जज कर सकते हो, एक प्लेयर दोस्तों करियर के अंदर हज़ारों मैच खेलता है, हज़ार ज़्यादा हो गया मतलब 300-400 मैच खेलता है पूरा, आप T20 में देख लो, T20I के अंदर देख लो, ODI में देख लो, लिस्ट के अंदर देख लो, जिसमें दोस्तों एक मैच से आपको कभी भी प्लेयर को जज नहीं करना चाहिए। एडन माकरम, अभिषेक फर्नांडो, असलंगा दोस्तों ठीक ठाक ही है, मतलब अच्छे टेक्निक इनकी सही खेलते हैं, कौशाल परेरा दोस्तों खेलेंगे तो उनको लेंगे अपन, डेविड मिलर ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं, रेसिवन डसन दोस्तों अगर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं 2 डाउन तो ही लेंगे अपन, वरना रिजेंटिक्स दोस्तों खेलेंगे तो पक्का है, कंफर्म है, हेड टू हेड स्टैट्स में 40 की एवरेज है, और ये दोस्तों बहुत अच्छे फॉर्म में थे इन्विटेशनल T20 लीग के अंदर। राजापक्षा चेस में ट्राई कर सकते हो, हसरंगा इम्पॉर्टेंट है, लिंडे इम्पॉर्टेंट है, धनंजय डी सिल्वा दोस्तों एक ऐसे प्लेयर है जिनका दिन तो चलते हैं दोस्तों, वरना कुछ खास करते नहीं है, विद द बॉल दोस्तों कुछ करेंगे तो फिर विद द बैट आप 30-40 रन के आसपास इनकी नॉक देख सकते हो। फिर यहाँ पर आते हैं
शमशी इंपॉर्टेंट, चमेरा इंपॉर्टेंट रहेंगे, रबाड़ा दोस्त एक अच्छे विकल्प आपके पास, महाराजा आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग्स के अंदर। एंगडी दोस्तों तब लेंगे जब अपन साउथ अफ्रीका बॉल फर्स्ट करती है, तो अकेला धनंजय दोस्तों खेलते तो अपन देखते हैं, वरना यहाँ पे आई थिंक महेश तक्षिणा ही खेलेंगे, इनको शायद वर्ल्ड कप के लिए चांस दिया जाएगा बहुत सारा, तो ये भी दोस्तों एक अच्छे खासे पिक हो सकते हैं। और नोकिया थोड़ी रिस्की है यार, देखते हैं क्या होता है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स है आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहे स्टैट्स गुरुजी। चैनल पे दोस्तों न्यू तो सब्सक्राइब करके जा सकते हो, बेल आइकन हिट कर सकते हो दोस्तों। आपको मैं यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूंगा हमेशा, कोशिश इन द टर्म्स बिकॉज लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस दोस्तों, हर बार अपन कोशिश ही कर सकते हैं। अब दोस्तों तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चीज़ों को पसंद करते हो ना पसंद करते हो, बस दोस्तों जब अपन कांच के सामने जाकर खड़े हो जाए तो अपने को लगना चाहिए यार अपने काम सही करा था। दोस्तों मुझे लगता है आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, तो टेक केयर, जय हिंद, लव यू गाइस विदाउट आई एम नथिंग।